आज मैं इतने सारे कुत्तों के साथ हूँ और ये मेरे साथ मेरे नेबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सुल्तान भाई। ये आज मैं आपको इनका बहुत यूनिक कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रू डॉग लवर क्या होता है। तो आप देखिएगा इस ब्लॉग को। अच्छा जी, ये हैं सुल्तान भाई और सुल्तान भाई मेरे नेबर भी हैं और दोस्त भी हैं और माशाल्लाह इनका जो कलेक्शन है डॉग्स का वो बहुत यूनिक है। वो कैसे है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बहुत यूनिक डॉग कलेक्शन कैसे है, कि मतलब इनके पास फैंसी डॉग्स भी हैं, एक्सपेंसिव डॉग्स भी हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे डॉग्स भी हैं जो कोई शायद रखना भी ना चाहे। तो ये सुल्तान भाई बैठे हैं और हम इनका जो अभी डिवीज़न जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पिटबुल डिवीज़न से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने ये पिटबुल्स के बारे में बताएंगे। तो ओवर टू सुल्तान। यासिर भाई, मैं सबसे पहले इसके लिए बताना चाहूँगा, इस बाइक के लिए, ये बहुत मेरा पुराना डॉग है और इसका अपना ये बहुत अपना बेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इसके अलावा इसका बेटा बहुत फेमस है, अपना पूरे पाकिस्तान में हर ब्रीडर उसको जानता है, उसका नाम एडी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा अच्छा यासिर भाई, इसने अपना शो भी विन किया था, कैंट में हुआ था तो वहाँ पर भी ये फर्स्ट आया था। अच्छा, आप इसके बेटे एडी के बारे में क्या बताएंगे? एडी को लेके आए पहले? मैं एडी को ले आता हूँ, आपको एडी भी दिखाता हूँ। यासिर भाई, ये एडी जिसकी मैं बात कर रहा था और ये अपना पाकिस्तान लार्जेस्ट पिटबुल है और अपना इसका अभी पहला लिटर आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, काफ़ी एक्सपेंसिव लिटर है इसका, तो इतना आज तक APBT का लिटर महंगा पूरे पाकिस्तान में नहीं आया जितना इसका है अभी। और वैसे ज़्यादा कर यासिर भाई ये चिल रहता है और जो डॉग मतलब भाई ये इतना फाइट में नहीं है, मगर कोई इसके साथ लड़ना चाहे तो फिर उस हिसाब से ये बहुत एग्रेसिव है, तो वैसे ज़्यादा कर ये फाइट नहीं करता। ओके भाई, तो अभी जो इनके पास करेंटली जो पपीज अवेलेबल हैं जो कि फॉर सेल नहीं है, ये इन्होंने अपने लिए ही अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए रखे हैं, तो ये सारे वो चार पपीज है। क्या एज है सुल्तान भाई इनकी? जैसे भाई इनकी 4 महीने अपना एज है, तो अभी 4th मंथ में स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, तो ये सेल क्यों नहीं कर रहे आप? जैसे भाई मैं ये सेल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सबसे मेरे प्यारे डॉग के बच्चे हैं, जो मेरा सबसे पहला पिटबुल था लाइफ में ये उसके बच्चे हैं और वो इंजर्ड हो गया, उसके बाद मेरे पास ये है जो उसकी कमी दूर करता है। अच्छा, तो वो उस पिटबुल की ऐसी क्या खास बात है जो आपको, जिसकी वजह से जो है वो सबसे प्यारा है आपको? वो मेरा सबसे पहला और जैसे क्राइम पार्टनर बोलते हैं, तो मैंने बिल्कुल उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया होगा हर चीज़ में, उठना बैठना, वो इंजरी के बाद भी मतलब उससे कभी सुसु निकल जाता तब भी वो मेरे साथ ही। चले आपको अब जो है ना इन बच्चों के फादर से मिलाते हैं और वो बात जो कि मैंने आपको बताई थी कि बहुत यूनिक कलेक्शन है इनके पास।
सेट करवाएंगे। इस रॉटवाइलर फीमेल के साथ कोई मजाक नहीं है, सुल्तान भाई खुद बताएंगे इसके बारे में। ये क्या है, वर्ल्ड चैंपियन की बेटी है इनके पास, टॉप क्लास किस्म की ये फीमेल है, आउट क्लास इसकी हाइट है, फीचर्स जबरदस्त किस्म के। तो सुल्तान भाई आप थोड़ा सा बताएं, इसके पास तो जाना मुनासिब नहीं है। तो यासिर भाई सबसे बड़ी बात तो आपने पहले इसके लिए बता दिया, वर्ल्ड चैंपियन की ये बेटी है, लेक्स वॉर्म हाउस एडल्सन की ये बेटी है, तो वो अपना बेस्ट प्रोड्यूसर और वर्ल्ड चैंपियन है कुत्ता। और ये जो इस बिच की खासियत है, यहाँ पे जो बड़े बड़ी साइज़ के लेंथ के कुत्ते हैं तो वो भी इसके सामने हाइट में थोड़े एक इंच का फर्क आ जाता है फीमेल के हिसाब से, या बराबर मिलेंगे या आपको एक दो इंच छोटे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बिचेज हैं रॉटवाइलर वो सब हाइट की छोटी होती है, यहाँ यहाँ तक आती हैं, तो माशाल्लाह इसकी हाइट और इसकी लेंथ बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी, ये सुल्तान भाई के जो शेड के अंदर जो फीमेल है, जर्मन शेफर्ड फीमेल है, एज अप्रोक्सीमेट 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, पिंक पेडिग्री, और अब ये ब्रीड नहीं करती है लेकिन ये इन्होंने अभी भी रखी हुई है। ये भी इनके पास काफी अर्से से है ना, काफी टाइम से ब्रीड नहीं करती लेकिन फिर भी ये इनके शेड में, बिकॉज ये एक ट्रू एनिमल लवर हैं। और इसके अलावा भी ये फीमेल जो है कि अगर ये चाहें तो ये बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये कुछ आप बता रहे थे ना कि ये मेरे पास इसकी काफी ऑफर आती है कि आप सेल करते हैं ये करते हैं, तो मैं नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये टोटकी कर लो, तो अपना बच्चे दिलवाओ, मैंने कहा बच्चे नहीं दे सकती तो मतलब मैं इस पे कोई फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा जी, तो आज की ये जो ब्लॉग था इसका बेसिकली मकसद ये था कि ये बताना कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो अपनी बैटल कर रहे होते हैं कि जी हमने कुत्ते को खाना दिया और कुत्ते को पट्टा पहनाया, तो ये सुल्तान भाई हैं और इनके पास मैंने आपको वो कुत्ते दिखाए जो कि ऐसे हैं जो कि पैरालाइज है। एक कुत्ता जो है वो नाबीना है, उसकी आंख की इन्होंने सर्जरी कराई है। ये एक फीमेल है जो कि अपनी एज से बहुत ऊपर है और ये ब्रीड भी नहीं कर सकती। दो बिचेस हैं, दो फीमेल्स हैं जो कि ब्रीड नहीं कर रही, इन्होंने उसको भी अपने शेड में रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये एक ट्रू डॉग लवर है और इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी क्या कीमत है या क्या कीमत नहीं है, या इसकी क्या बीमारी है या क्या बीमारी नहीं है। अगर इनकी मोहब्बत है तो ये रखते हैं उन डॉग्स को भी जो कि जिनको कोई नहीं रख सकता। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने कुत्ते को पट्टा पहना दिया, कुत्ते को खाना खिला दिया और हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो अगर खिदमत है ना तो वो ये देखें कि खिदमत सिर्फ खाना खिलाने से बहुत आगे तक की है। तो अगर कुछ सीखना है सुल्तान भाई से सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बताएं हमें इसमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनके कौन से डॉग्स आपको सबसे अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।